हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसी कारण से कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बट इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ 84, नंबर टेंथ में हमें 496 के फैक्टर करने हैं। तो आज हम लोग आपको वैदिक मैथ से इसके जो फैक्टर निकल कर आएंगे बहुत ही ईजी वे में एक्यूरेट आंसर देगा वो बताएंगे सबसे पहले। और इसी तरह से जो जो कॉन्सेप्ट्स इसमें आते रहेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर करते रहेंगे। सेट्स क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम लोग आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज हमें 84 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो नॉर्मली हम लोग एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करते थे पहले। जैसे एलसीएम किया 2, फिर 24 जाए 2, 2 जा 4, फिर 2 से, फिर हम लोगों ने इसे नेक्स्ट 2 से किया 2, 2 जा 4, 2, 1 जाए 2, फिर हम लोगों ने इसे 3 से किया 3 × 7, फिर हम लोग इसके कॉम्बिनेशन बनाते थे और कॉम्बिनेशन बनाते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते थे। पर यह मैथड बहुत ही ईजी है, इसमें आप लाइन ड्रॉ कीजिए और ये 84, अब हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हमेशा जो है फैक्टर होता है, तो ये दो तो हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, नंबर से 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे इस नंबर 84 को। तो जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 84 को तो वी गेट 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 84 को तो फिर हमें मिलेगा 42, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हम लोगों को मिलेगा 3 × 1 = 3, 2 = 6, 3 × 8 = 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 42 है, 42 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 4 भी जो है 84 को डिवाइड करेगा और मिलेगा हमें क्या 21। फिर हम 5 से देखेंगे, 5 से नहीं होगा, 6 से 2 और 3 से तो 6 से भी होगा, तो 6 से करेंगे तो क्या होगा 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24। फिर 7 से देखेंगे तो 7 से भी हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब हम लोग इस तरह से चलते चले जाते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए 4 और 21 कहां तक लेके जाएंगे वो समझिए। 4 और 21 है तो 4 और 21 के बीच के सारे नंबर जब तक कवर नहीं हो जाते तब तक चलेंगे। 4 के बाद हमने यहाँ पे देखा 6 आ गया, 6 और 14 के बीच के सारे नंबर जब तक कवर नहीं हो जाते। यहाँ पे आ गया 7 और 12, अब 7 और 12 के बीच के सारे नंबर भी हमें चेक करने हैं और 7 और 12 के बीच के नंबर है 8, 9, 10, 11। तो 8 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 21 है, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ये 10 से भी नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए। अब इसके फैक्टर देखे हम तो फैक्टर क्या आ गए, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड दिस आल्सो 12, 14, 21, 28, 42 एंड 84। तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14 और फिर इसे नीचे लिख लेते हैं 21, 28, 42 एंड 84। क्लियर हो गया। इसी तरह कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, सपोज हमारे पास हमने नंबर लिया 496। अब इसके देखते हैं 496 के, तो पहले हम लोग 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 496, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 248, फिर हम लोग 3 से देखिए डिविजिबल नहीं क्योंकि 4 और 9 13 और 6 19, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से होगा क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मींस 4 से भी डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होकर हमें मिलेगा 124। फिर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं है, 7 से भी नहीं होगा ये, 8 से देखते हैं तो यहां पे 4 है और यहां पे फिर 2 से डिविजिबल है, इट मींस 8 से भी डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होने के बाद ही मिलेगा 62। 8 और 62 के बीच के अभी हमें और सारे नंबर देखने हैं। फिर हम लोग 9 देखेंगे, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है चेक करेंगे, 12 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 से नहीं हो रहा है, 15 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, फिर 16 देखेंगे तो 16 से होगा क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 का डिविजिबल है, तो 16 से करेंगे तो मिलेगा हमें 31। अब हमें 16 और 31 के बीच के नंबर देखने, तो अब 16 और 31 के बीच के नंबर हम लोग देख लेते हैं, तो 16 और 31 के बीच में 17, 18 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 19 बहुत आसान है ये, 20 से नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं हो रहा है, 21, 22, 23, 24 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 25 नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं हो रहा है, इसी तरह से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और देखेंगे कि 16 और 31 के बीच में आप कोई नंबर नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर सके 496 को। तो इट मींस इसके फैक्टर के आगे 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 एंड 496, मींस 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124,
248 and 496, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन था और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को क्लियर करते चले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले फिर हम लोग एक बार देखते हैं, एक कार्डिनेलिटी वाला टॉपिक हम लोगों का रह गया था। तो कार्डिनेलिटी क्या है? कार्डिनेलिटी बहुत सिंपल है। ठीक, क्या होता है कार्डिनेलिटी? होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, इसी को हम कार्डिनेलिटी कहते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। अगर ए सेट है और उसकी कार्डिनेलिटी निकालनी, मींस एन ऑफ ए। अब बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जो कि कार्डिनेलिटी की प्रॉपर्टी से डिफाइंड होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें नल सेट की, तो नल सेट क्या होता है? नल सेट होता है जिसके अंदर, जैसे इसका नाम है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, और इसको डिनोट करते हैं फाइ से, या फिर हम लोग सिंपल सेट से, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी कार्डिनेलिटी कितनी है? तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इस नल सेट की जो कार्डिनेलिटी है वो जीरो है। ओके, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। तो जैसे इसका नाम है सिंगलटन सेट, वैसे इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, मींस सेट दैट कंटेन सिंगल एलिमेंट। जैसे सपोज एक सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है टू, तो ये हमारे पास क्या है? ये सिंगलटन सेट है। या फिर एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। और इसकी कार्डिनेलिटी क्या होगी? इस केस में कार्डिनेलिटी सिंगलटन सेट की होगी 1। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका नेचर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो जैसे ये एक सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनेलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 4। इसी तरह से नेक्स्ट चलता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या है? जैसे इसका नाम है कि इनफाइनाइट एलिमेंट है, और अगर हम इसकी कार्डिनेलिटी की बात करें तो मींस कार्डिनेलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A में पहला क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। तो सेट के लिए क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो यहां देखते हैं कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर। अब पॉपुलर सिनेमा एक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टर पॉपुलर हुए, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो कलेक्शन है ये वेरी करेगा। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट चलें, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51। तो इवन नेचुरल नंबर अगर लेस देन 51 की बात करें हम लोग, तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 up to 50। तो मींस कोई भी कलेक्शन करेगा इस तरह के एलिमेंट को तो यही करेगा। तो मींस ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड होने के कारण सेट है। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 1। काउंटिंग नंबर मींस नेचुरल नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 1 हो, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 1 हो कोई भी नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कौन सा नेचुरल नंबर लेस देन 1 है, तो आप भी कहोगे सर कोई नहीं, मैं भी कहूंगा कोई नहीं, कोई भी, हर एक आदमी यही आंसर देगा कि कोई भी नंबर जो है ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो लेस देन 1 होगा। मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मींस ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है और सेट है। बट कैसा सेट है? नल सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। यहां पे स्टूडेंट्स कई बार जो है इसे नॉट डिफाइंड कर देते हैं। अब कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक की अगर हम बात करें शेक्सपियर की, तो इंटरेस्टिंग बुक अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग इंटरेस्टिंग बुक होगी। कोई कहेगा मर्चेंट ऑफ वेनिस इंटरेस्टिंग है, कोई कहेगा मैकबेथ इंटरेस्टिंग है, तो ओथेलो कोई कहेगा इंटरेस्टिंग है। तो इट मींस कि जो इंटरेस्टिंग है वो जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मींस ये नॉट अ सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवल लिखी, चाहे वो गोदान हो,
चाहे वो निर्मला हो, चाहे कर्म भूमि हो, चाहे गबन हो, जितना भी हम कलेक्शन बनाएंगे सब सेम ही बनाएंगे. तो इट मींस दिस इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट. तो इट मींस दिस इज अ सेट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. अब हर एक देखिए, टैलेंट जो है अलग अलग फील्ड में होता है. किस फील्ड में टैलेंट की बात कर रहे हैं ये डिफाइंड नहीं है. इट मीन दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट. तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया. तो जितनी भी रिवर्स फ्लो कर रही है इंडिया में वो कैसा है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है. मतलब आप बनाए या मैं बनाऊं वो सेम बनेगा. इट मींस दिस इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया. पांच रिवर की अगर हम बात करें तो आप कोई और 5 रिवर का नाम देंगे, मैं किसी 5 रिवर्स का नाम दूंगा, अलग अलग लोग अलग अलग रिवर्स का नाम देंगे 5. तो मींस ये सेट, ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है. इट मींस दिस इज नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर लाइज बिटवीन -1 and 1. तो -1/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो रैशनल नंबर होते हैं, p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो -1 और 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर होंगे, आप कलेक्ट करें या मैं कलेक्ट करूं, सेम ही कलेक्ट करेंगे. इट मींस दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर. अब आप किसी को बेस्ट क्रिकेटर कहेंगे, मैं किसी को बेस्ट क्रिकेटर कहूंगा, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल. अब कई बार कई तो जो ऐसे होते हैं जो कॉकरोच से भी डर जाते हैं, कोई शेर से भी नहीं डरता, तो इसलिए मोस्ट डेंजरस किसे कहेंगे हम नहीं कह सकते, देयरफॉर दिस इज नॉट सेट ये स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हमें यहां पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो देखिए, मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू. तो अगर कोई एलिमेंट किसी कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट होता है तो हम बिलोंग्स टू कहते हैं, और अगर वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता तो हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू. तो मींस अब देखिए, यहां पे ए के अंदर 3, 5, 7, 9, 11 ये एलिमेंट्स हैं. तो 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, यस. तो फर्स्ट का आंसर है यस, ट्रू है. सेकेंड देखते हैं कि 5 and 9 बिलोंग्स टू ए, तो 5 and 9 बिलोंग कर रहा है ए को, मींस ये भी ट्रू है. थर्ड देखते हैं, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो देखिए 8 इसके अंदर नहीं है, तो 8 इसके अंदर नहीं है, मींस ए 8 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, मींस 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. फिर फोर्थ देखते हैं कि 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पर 9 तो ए को बिलोंग कर रहा है, इट मींस दिस इज फॉल्स. फिफ्थ देखते हैं कि अब ये देखिए, ये जो है ये सेट है. अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये एलिमेंट होता, और ये सेट है. अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेट सबसेट भी पढ़ेंगे. मींस इट मींस कि ये जो है ये इसका एलिमेंट नहीं है. ओके, देखिए 3 और ये सेट 3 अलग अलग चीजें हैं. तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ कि अब ये देखिए फिर दोबारा से सेट की फॉर्म में आ गया, ये एलिमेंट नहीं है 5, 7, जैसे यहां 5, 9 लिखा हुआ था, ये सेट है, सेट 5, 7. ये एक इंडिविजुअल, एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट जो कि सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है. यहां पे 5 और 7 अलग अलग तो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, पर सेट 5, 7 इस सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, मींस दिस इज फॉल्स. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए अभी क्वेश्चन में हमें रोस्टर मेथड में लिखना है इसको. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो अब हम लोगों को इनको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट लिखते हैं, हम देखते हैं क्या है. द काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मींस नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6, जो कि 6 के मल्टीपल हो और 50 से लेस हो. तो ऐसे नंबर, सपोज ये एक सेट है, ऐसे नंबर जो कि नेचुरल होंगे, नेचुरल नंबर होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए और लेस देन 50 होने चाहिए. तो ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. क्लियर हो गया. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड लेस देन 50 भी होना चाहिए. सेकंड देखते हैं, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर लेस देन 10. मतलब आपका न्यूमरेटर तो 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर लेस देन 10 होना चाहिए. तो मींस क्या आ जाएगा, सपोज ये एक सेट है तो न्यूमरेटर तो 1 ही होगा हर एक का. ओके, और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर होगा लेस देन 10. तो पहला नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, फिर 3, इसी तरह से.
1/9. ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें इसका कि x, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है कि सेट कैसा है, सेट के अंदर x एलिमेंट है, इसे कैसे पढ़ते हैं, देखिए सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है और वो x टाइप के एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की है कि x बिलोंग्स टू n, मींस x नेचुरल नंबर है, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84, कि x के जो x जो है वो प्राइम फैक्टर है 84 का। अब 84 के फैक्टर हम लोगों ने आपको बताए थे, देखिए यहां पे हमने आपको 84 के प्राइम फैक्टर 84 के फैक्टर्स बताए थे। अब इसमें प्राइम फैक्टर देख लीजिए, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 7 है, ये तीन जो है इसके प्राइम फैक्टर है। ओके, तो नेचुरल नंबर है एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 84, तो क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 7। इसीलिए हम लोगों ने आपको ये जो 84 के फैक्टर बताए थे वैदिक मैथ से। नेक्स्ट चलते हैं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। तो हमें ऐसे ऑड इंटीजर्स लेने जो कि -4 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो। तो -4 यहां पे आएगा, तो -4 से ग्रेटर यानी कि -3, ये वाले पहले तो हम -4 से ग्रेटर देख लेते, तो इस साइड के, और 4, 5, 6, 7, 8, और 8 से लेसर मींस ये वाले। अब इसमें हमें ऑड इंटीजर्स लेने, तो ऑड इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, -3, -1, 1, 3, 5 एंड 7, जो कि लेस देन 8 हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10, मीन्स नेचुरल नंबर भी है और उसके साथ कंडीशन है कि x प्लस 6 इज लेस देन 10, मीन्स x इज लेस देन 4। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 4 से लेस हो, तो क्या होंगे वो नेचुरल नंबर, 1, 2 एंड 3। अब सिक्स पार्ट देखिए इसका, कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10। तो हमें इंटीजर्स लेने हैं जो कि जिसमें कंडीशन लगी हो x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10। तो x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10 मींस x इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो ऐसे इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 4 हो, तो इंटीजर्स आपको पता ही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो 4 से ग्रेटर वाले इंटीजर्स लेने हैं यानी कि ये वाले। ओके, तो मींस क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज अ सेट ए, तो क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। अब की बार क्या हो गया, x प्लस 6 इज लेस देन 10 हो गया, मींस x इज लेस देन 4 हो गया। तो 4 से लेसर मींस ये वाले सारे इंटीजर्स, मींस a क्या हो जाएगा अब की बार, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8th। अब इसमें देखिए कि x टाइप के एलिमेंट है और x को डिफाइन क्या किया है कि x बिलोंग्स टू i, मींस इंटीजर है और उसकी रेंज दे रखी है कि x लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2, मींस x ग्रेटर देन है -1/2 से और लेस देन है 9/2 से। तो देखिए -1/2 कहां लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, यहां कहीं -1/2 लाई करेगा, और 9/2 कहां करेगा, ये 4 के बाद 5 आ जाएगा, तो ये यहां पे कहीं लाई करेगा। तो ऐसे इंटीजर जो कि इस रेंज के बीच में हो, तो कौन कौन से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 9th था, 8th ये रह गया, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर। अब हमें इंटीजर्स निकालने हैं जिसके लिए 60/x नेचुरल नंबर हो। तो 60/x की अगर हम बात करें और x यहां पे इंटीजर है, तो देखिए जब हम लोग यहां पे नेगेटिव रखेंगे तो रिजल्टेंट जो है हमें नेगेटिव मिलेगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये हम लोगों का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब नेगेटिव रखेंगे तो जो है क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर नहीं आएगा आंसर में। जीरो रखेंगे तो ये सारे नेगेटिव नंबर वाले तो हट जाएंगे यहां से, सारे नंबर हट जाएंगे यहां से, जीरो भी हट जाएगा। अब बचे ये पॉजिटिव नंबर, मींस नेचुरल नंबर इटसेल्फ, और उस नेचुरल नंबर में भी हमें ये देखना है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर दिस 60/x इज अ नेचुरल नंबर, इनका डिवीजर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर आए। तो जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए 60 के डिवीजर देख लीजिए, कि जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो
नेचुरल नंबर मिलेगा, टू से करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, थ्री से करेंगे तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा, फोर से करेंगे तो भी, फाइव से करेंगे तो भी, सिक्स से करेंगे तो टेन आ जाएगा, सेवन से करेंगे तो नहीं मिलेगा, एट से भी नहीं मिलेगा, नाइन से भी नहीं मिलेगा, टेन से मिलेगा, फिर ट्वेल्व से मिलेगा, फिर फिफ्टीन से मिलेगा, ट्वेंटी होगा, ट्वेंटी के बाद फिर थर्टी आएगा और थर्टी के बाद सिक्सटी। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, नाइन्थ हम करा चुके थे, टेंथ देखिए। टेंथ क्या कहता है कि x नेचुरल नंबर है एंड 4x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो पहले इस लीनियर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल भी हैं और इसकी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, एंड लगा, एंड का मतलब इसकी और इसकी दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, कॉमन एलिमेंट जो कि इसमें और इसमें हो। तो 4x नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है, 4x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 15 करके देख लेते हैं, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 18 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4 4 16, 2 4 5 20, मींस ऐसे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू हो 4.5 से। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 4.5 से लेस होंगे क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th देख लेते हैं। 11th क्या है कि x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 40 से लेस हो। तो अब देखिए इसमें डायरेक्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर 40 से लेस है, 2 का स्क्वायर 40 से लेस है, 3 का स्क्वायर 40 से लेस है, 4 का स्क्वायर 40 से लेस है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 ग्रेटर देन 40 हो जाएगा, तो इसलिए नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 12th कि x बिलोंग्स टू z मींस इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, जिसका स्क्वायर 16 से कम होना चाहिए। तो देखिए अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इंटीजर्स तो वैसे आपको पता ही है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए -4 का स्क्वायर 16 इससे लेस नहीं है, 16 से लेस नहीं है, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो मींस ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन अवर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13, नंबर सिस्टम में हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था सेट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, और अगर रिपीट कर भी दे तो गलत नहीं है पर वो काउंट नहीं होता। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो क्या आएगा, टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा और ओ आ चुका है, एम आएगा, ई आएगा, टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th, पार्ट इसका 15, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स क्यू, तो विच प्रिसीड्स क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वॉवल्स देखने तो क्या हो जाएगा, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16th, द सेट एक्स इज अ कंसोनेंट, इस बार एक्स कंसोनेंट दे दिया, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के, तो के को प्रिसीड करने वाले कंसोनेंट, तो के को प्रिसीड करने वाले कंसोनेंट क्या हो जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, यही तो हो जाएंगे कंसोनेंट। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। अब इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्या है कि 1 3 5 7 9 11 13, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज दिस इज अ सेट ए और इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। अब इस एक्स को हमें डिफाइन करना है कि एक्स क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑड नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 30, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 14। इसे हम और भी मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेस देन 7। कैसे, देखिए कि x जो है वो 2n-1 है और ये n जो है नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 2-1 1, 2 2 4-1 3, 2 3 6-1 5, 2 4 8-1 7, ये आ गया, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। और n इज लेस देन 7 मींस
एन इज लेस देन इक्वल टू सेवन, तो एन इज लेस देन इक्वल टू सेवन मीन्स सेवन तक जाएगा, तो टू इंटू सेवन फोर्टीन माइनस वन थर्टीन। ओके क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्योरली मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा रनिंग लैंग्वेज आ जाता है हमारा। अब सेकेंड देखते हैं कि टू फोर सिक्स एट, तो देखिए इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू टू एन, इवन नंबर भी लिख सकते थे वैसे तो, सिंपल लिखते हैं कि x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, पर हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं कि x इज इक्वल टू टू एन, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, बस इतना ही खत्म। इसे ही हम इस तरह से भी लिख सकते थे, और x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए आगे जब हम लोग मैथ्स में ये आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हमारे पास सारी मैथमेटिकल लैंग्वेज आएंगी, तो कोशिश करिए अभी से आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हालांकि ये थोड़ा सा आसान लगता है इस स्टेज में, इजी लगता है थोड़ा सा, पर हम लोग, मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग मैथमेटिकली लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड, कि 3, 6, 9, 12, 15, तो मीन्स 3 का मल्टीपल है, मीन्स x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है। देखिए 1 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12, और कहां तक जाएगा, और n है लेस देन 6, n लेस देन 6 भी कर सकते हैं, मीन्स 5 तक भी कर सकते हैं, या n लेस देन इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं, कैसे ही कर लीजिए। यहां पे हमने लेस देन इक्वल टू 7 कर दिया था, यहां पे 6 कर दिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में आते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसे देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, सीक्वेंस हमें दिखाई दे रही है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 32, 6 रखेंगे 64, और n क्या है, n लेस देन इक्वल टू 6 है, या n लेस देन 7 भी कह सकते हैं। फिर हम लोग फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, 5, 25, 125, 625, इसे भी देखिए 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, तो इसे हम लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके अब इसमें चलते हैं 1, 4, 9, 1600, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, इस बार n स्क्वायर है, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो n स्क्वायर है, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और n लेस देन इक्वल टू 10 है। ओके अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7th पे, सेवन क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, तो देखिए 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, तो इट मीन्स x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं 8th पार्ट में, इसमें देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1, देखिए न्यूमरेटर में देखिए 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस आ रही है, सिंपल सीक्वेंस आ रही है, और नीचे क्या हो रहा है, 1 पे 2 आया 2 पे 3 आया 3 पे 4 आया 4 पे 5 आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x क्या है, देखिए n अपॉन n प्लस 1 नेचुरल नंबर, और नीचे नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दिया, तो 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2, 2 रखेंगे 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6 एंड दैट गोज अप टू इन्फिनिटी।